आपको बता दें कि रीवा जिले के जवा तहसील अंतर्गत महिलो गांव में 12 अप्रैल को अज्ञात कारणों से दोपहर 2 बजे के आसपास अचानक आग लगने से लगभग 50 बीघे का गेहूं जलकर खाक हो गया था, जिसमें पीड़ित किसान संतोष सिंह, धनेंद्र प्रताप सिंह, राम गोपाल सिंह, सुरेंद्र सिंह, भगवती सिंह, राकेश सिंह, हरिशंकर सिंह, योगेंद्र सिंह, अनिल सिंह, जयनंदन सिंह, जनार्दन सिंह, बालेंद्र सिंह, कृष्णवली सिंह, दिनेश कुमार सिंह, समर बहादुर सिंह के खेत में आग लगने से लगभग 150 कुंटल गेहूं जलकर खाक हो गया, जहां लाखों रुपए का नुकसान हुआ। जहां किसान महेंद्र प्रताप सिंह और योगेंद्र सिंह ने बताया कि आग दोपहर 2 बजे के आसपास खेत में अचानक लगी। आग कैसे लगी अभी भी अज्ञात है, लेकिन आग लगने से लगभग 150 कुंटल गेहूं का नुकसान हुआ है, जिसमें कुछ किसानों को खाने के लाले पड़ गए हैं। आग इतनी जबरदस्त थी कि खेत देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर चारों ओर फैल गई थी। फायर ब्रिगेड ना होने की वजह से आग बुझाने में काफ़ी मशक्कत भी करनी पड़ी, जिसके लिए किसान और कांग्रेस कमेटी के जिला कार्यकारी अध्यक्ष गिरीश सिंह ने शासन प्रशासन और चुने हुए जनप्रतिनिधियों से जवा मुख्यालय में फायर ब्रिगेड की व्यवस्था कराने की मांग की है। वहीं पीड़ित किसानों से महिलो गांव मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता गिरीश सिंह ने जले हुए खेतों को देखकर कहा, चुने हुए क्षेत्रीय विधायक, सांसद और राज्यसभा को मामले को संज्ञान में लेकर जवा मुख्यालय के लिए अपनी निधि से जनहित की मांग को देखते हुए फायर ब्रिगेड की व्यवस्था करानी चाहिए। तराई अंचल के लिए बड़ी दुखदायी स्थिति है। आज हम लोग महिलो गांव में खड़े हुए हैं, जैसा कि अभी प्रभावित कृषक लोगों ने बताया कि लाखों लाख की फसल उनकी जल के खाक हो गई। इसके साथ साथ अभी हाल में ही कई गांवों में, चाहे चौखंडी हो, कसियारी हो, कई जगह कई गांवों में आगजनी हुई। कहीं विद्युत शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई, कहीं आकस्मिक आग लग गई। मेरी मांग यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधियों से ये है, क्षेत्रीय विधायक हैं, क्षेत्रीय सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, ये एक जनहित की मांग है कि चूंकि जवा तहसील मुख्यालय ब्लॉक मुख्यालय है और जवा के आसपास सैकड़ों गांव हैं, जहां पर अगर कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है, आगजनी हो जाती है, तो यहां फायर ब्रिगेड की व्यवस्था नहीं है। यहाँ जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए। सर, ये आग कैसे लगी? ये आग अचानक ये 2-2.5 बजे के आसपास यहाँ लग गए, या कि चाहे बीड़ी एंडी पी के कोनो मजदूर या जो भी, जैसे भी मैंने अचानक लगी लाइट की, तो यहाँ कोनो दिक्कत वह नहीं रही। उसी के वजह से फिर तमाम इतनी भयानक ये आग फैली कि फिर कंट्रोल के बाहर हुई है, मान के चलिए। कितना नुकसान हुआ होगा? अरे कम से कम नहीं तो 150-150 कुंटल गेहूँ तो मैंने समाप्त समझिए। तो शासन प्रशासन साहब क्या चाहते हैं? प्रशासन से अब ये स्थिति में कुछ न कुछ सहयोग या माने जो भी व्यवस्था बन सके। अब ये मतलब बहुत से लोगों के पास भोजन तक की व्यवस्था नहीं, कुछ को तो मान लीजिए भोजन की व्यवस्था, कुछ को भोजनों की व्यवस्था के लिए दिक्कत पड़ जाएगी, पूरा जल गया। अब बाकी इसमें कितनी लागत, ये जुताई, DAP, लंद फंद जितना भी है, पूरी फसल कटने की स्थिति में माने ये सब गड़बड़ हुआ। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे